हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा जो कूलर की जो किट होती है उसकी कंप्लीट सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी आपको दे दूंगा इसको फिट करने की, इनकी सेटिंग करने की। कई भाई छोटी सी गलती कर देते हैं फिट करने के बाद, उसके बाद क्या हो जाती है, मोटर जाम हो जाती है। तो उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे पास एक कूलर किट की मोटर है और ये इसका रोटर है, ठीक है। ये नीचे का टफ है, नीचे वाला बॉडी, ये ऊपर वाला बॉडी है, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले नीचे का बॉडी उठाना है। नीचे का बॉडी उठा करके हमको क्या करना है कि जो हमारे पास स्टेटर है मोटर का, उसके चार तार या तीन तार जो भी हैं, चार या तीन तार होते हैं, ठीक है। वो कैसे करने हैं कि दो एक साइड निकालेंगे और ऐसे उसको पहले उल्टा कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसमें छेद होते हैं, देख सकते हैं आप, इसमें दो छेद होंगे, तार निकाल लेंगे, एक ये वाला एक ये वाला। तो दो तार हम इस साइड निकाल देंगे, ठीक है, और दो तार उस साइड हम निकाल देंगे सबसे पहले। और मोटर को जो है इसके अंदर रख देंगे, टफ के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर हम मोटर को जो है रख लिया है, और तार को पहले प्रॉपरली बाहर निकाल लें, ठीक है। और स्लीव भी छोटे से लगने चाहिए ताकि ये तार जो है, स्लीव इतने होने चाहिए जो कि बाहर निकल जाए, नहीं तो ये शॉर्ट होने के चांस रहते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो स्लीव वगैरह जो है अच्छे से लगा लें। हमारे इन तारों में इस साइड के जो तार है इसमें स्लीव छोटे पड़ गए, इसलिए हम इसमें थोड़े बड़े स्लीव लगा लेते हैं। तो दोस्तों मैं दो स्लीव का टुकड़ा लिया हूँ और ये दोनों टुकड़े जो है इसमें डाल देना है, इससे ये बचाव हो जाएगा दोस्तों। हमारी जो वायर है ये कई बार हीट हो जाती है, मोटर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तभी वायर जो है वो पिघल सकती है। तो ऐसी समस्या जो है ना हो, ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने स्लीव का टुकड़ा इसमें जो है डाल रहा हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उस बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए, नहीं तो इसमें छोटी सी गलती ही मोटर का जो है, मोटर का जल जाने का कारण बन जाती है। तो हमने मोटर को पहले इसमें बैठा लिया है। अब हमको सेटिंग में सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि इसमें देख सकते हैं पीछे इधर दो छेद हैं, इधर दो छेद हैं स्टडी के लिए। तो इनके सामने ये दो छेद, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो दो चार दो छः छेद हैं। तो कोई भी दो छेद इस साइड के जो हैं इसके सामने बिठा लें। तो इधर से मैं इसमें इस छेद में यहाँ से देखूँगा तो वहाँ पे पार दिखना चाहिए इस साइड। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा जैसे घुमाऊँगा तो ठीक है। तो इसके सामने लेके आना है, अगर इसके सामने नहीं आए तो इसके सामने ले जाएं, अगले के सामने ले जाएं, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे आगे घुमाना है और तारों को भी देखना है कि तार कभी टूट ना जाए। तो अब मैंने इसके सामने जो है बिठा लिया है। अब ये दो छेद आर पार मिल गए, यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सबसे पहला मेन चीज़ हो गया, ठीक है। अब इधर भी साइड दोनों छेद आपने सामने आ गए हैं, ओके। तो हमारे सारे जो है हमारा ये बॉडी के अंदर नीचे से सेट बैठा लेना है पहले। उसके बाद आपको क्या करना है कि रोटर लेना है, ओके। और रोटर के अंदर जो है छल्ले आपको देखने हैं, तो कुछ इस तरह के छल्ले होते हैं, कुछ छल्ले आपको ले लेने हैं एडजस्ट करने के लिए। अब सबसे पहले मैं तीन छल्ले इसमें डाला है, अब इसको इसमें डालता हूँ, ओके, और इसको बैठा के देखता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो रोटर है, रोटर जो है इसके बीचों बीच आ जाए। तो अब ये जो रोटर है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा और ऊपर उठाऊँगा। और ऊपर उठाने के लिए हमें दो छल्ले उसमें और डालने पड़ेंगे, दो छल्ले में डाल लेता हूँ, ठीक है। तो दो छल्ले में इसमें डाल देता हूँ। तो रोटर जो है इसके साथ में बराबर में आ गया है। तो दोस्तों इसके बराबर आ गया है, इसमें सबसे पहले अब एक चीज़ आपको करनी है। तो दोस्तों अब इसको रोटर को जो है निकालना है सबसे पहले, और रोटर को निकालने के बाद क्या करना है, हमने इसको फिक्स किया है तो सबसे पहले इसमें ऑयल डाल देना। ऑयल किस तरह का डालना है, ये जो बाइक के इंजन में हम डालते हैं वो इंजन ऑयल डालना है, ठीक है। तो आपके पास नया नहीं है तो पुराना भी डाल सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा ये बुश के अंदर डाल देना है, ठीक है,
तो इस तरह से ऑयल डाल देना है। ऑयल आप बाद में भी डाल सकते हो, मोटर के बाहर से भी ऑयल डाला जा सकता है जो इसमें दिए होते हैं छेद। अब इसको रोटर जो है हम नीचे की तरफ सेट कर देंगे। तो ये तो हुआ हमारा प्रथम सेटअप, पहला ये हो चुका है, ठीक है। अब हमारा ऊपर का हिस्सा हमको लेना है, और ऊपर के हिस्से के अंदर जो है इसका ये पुश देखिए, अब यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसको बीच में कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमको बैठा के देखना है कि कोई गैप वगैरह तो नहीं है। पहले इसमें हम सिर्फ ओनली दो छल्ले इसमें डाल लेते हैं, दो छल्ले डाल लेते हैं, ओके। और थोड़ा सा इसमें ऑयल भी हम डाल लेते हैं पहले ही, ऑयल डालना बड़ा ज़रूरी, नहीं तो बुश जो है जाम हो जाता है। और अगर आपके मोटर के बुश ख़राब हैं तो उसको भी टेस्ट करना बड़ा ही ज़रूरी रहता है। तो उसको टेस्ट करने का तरीका जो है मैंने पहले भी बता दिया था दोस्तों, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल डल गया है, इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। ऑयल डालने के लिए मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा गिर गया इसमें, ठीक है। तो अब इसको हम लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम बिठा लेते हैं। अब आपको वो छेद देखने हैं, ठीक है। ये दो छेद हमने सेट करे हैं, इधर है ये छेद दो ऐसे, तो ये दो छेद हैं सामने के, ये भी इसके सामने आने चाहिए बिल्कुल आमने सामने, इस तरह से। तो हमने इसको जो है बिठा लिया है, और बिठाने के बाद इस पर हल्का सा ऐसे चोट मार देना है ताकि इससे एक बार सेट हो जाए। अब हम इसको ऊपर की तरफ खींच कर देखेंगे, ऐसे पकड़ कर ऐसे खींच के देखेंगे। तो इसमें जो है ये आप देख रहे हैं गैप इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इतना गैप हमको चाहिए इसका, अगर ये गैप नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो हमारी मोटर जो है जाम हो जाएगी, तो ये गैप बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ज़्यादा गैप भी आपको नहीं रखना है, अगर ज़्यादा गैप रखेंगे तो रोटर ऊपर नीचे होता रहेगा, जिससे स्पीड में भी दिक्कत आएगी और टच भी हो सकता है रोटर आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा इतना गैप तो इसमें चाहिए। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इसके स्टड ले लेने हैं, ठीक है, और स्टड इसके अंदर डालने हैं। और एक चीज़ और देखनी है, जब हम स्टड डालें कि आर पार दिख रहा है नहीं, कई बार आर पार नहीं दिख रहा होता, इसका मतलब ये होता है जो वाइंडिंग होती है या तो ऊपर की वाइंडिंग या नीचे की वाइंडिंग, वो इस छेद के सामने आ जाती है। और जब हम इसी ये डालते हैं, जब हम स्टड ये डालते हैं तो वाइंडिंग से होता हुआ टच होता हुआ चल जाता है। अगर वो स्क्रैच उस पर पड़ जाती है तो इससे टच हो जाता है, तो उस मोटर में करंट आता है कई बार, ठीक है। अगर वो टूट जाता है तो हमारी मोटर ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि वाइंडिंग जो है इससे टच ना हो, ठीक है, ये चीज़ें। तो इसमें डालने के बाद जो है हम इसको कस के देखते हैं एक बार, ठीक है, एक बार इसको कसना पड़ेगा, फिर इसका सेटिंग का पता चलेगा असली। हमारा स्टड थोड़ा सा यहाँ से ख़राब है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत जाएगा, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, दूसरा लगा देते हैं इसमें। अब इसको हम पहले कसेंगे दोस्तों, दोस्तों ये जो स्टड हैं आप छोटे भी लगा सकते हैं इस तरह के, जैसा मैंने ये लगाया। अगर आपको लटकाना हो, ऊपर लटकाना हो तो लटकाना, इसलिए मैं दो इसमें आमने सामने के, कोई भी दो आमने सामने के हैं तो इसमें पत्ती भी लगेगी ऊपर, तो इसमें थोड़े लंबे भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें दो लंबे डाल रहा हूँ और दो छोटे डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, आराम से इसको एडजस्ट कर सकें। दोस्तों मैंने सारे स्टड कस दिए हैं और मैंने बराबर ही लगा दिए सारे, जो ये थोड़े बड़े वाले थे दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये थोड़े बाहर निकल रहे थे, तो कसने में थोड़ी दिक्कत होती, तो मैंने चारों को बराबर ही कर दिया, ठीक है। इसमें भी काफ़ी जारी जगह है, ऊपर लटकाना हो तो इसमें पत्तियाँ कस सकते हैं हम। अब इसको सबसे पहले करना क्या है कि आपको मोटर को ऐसे उल्टा करना है, उस पर हल्की चोट मारनी है ऐसे चारों तरफ चोट मारनी है बराबर, और फिर इसको जो है बराबर कसना है। ऐसा नहीं कि एक साइड कस दो आप, ऐसे कसना है बराबर, थोड़ा थोड़ा करके चारों को बराबर लेते चलना है। अगर बराबर नहीं किया तो एक साइड से टाइटली हमने टाइट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, मोटर जाम हो जाएगी। तो ऐसे हमको बराबर कसते रहना है सभी को, और लास्ट तक कस देना है इसको टाइट, जब तक हो ना जाए।
ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम इसको बराबर कर लेते हैं। अब इसको हम फुल टाइट कर लेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, हमने इसको कम्प्लीटली टाइट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अब हम इसको मोटर को रख देते हैं और अब इसका गैप चेक करते हैं। तो ऊपर की तरफ देखिए आप ध्यान से, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए तो आप देख सकते हैं मैं खींच रहा हूँ तो ये खींच रहा है आराम से। तो थोड़ा सा इसमें इतना गैप चाहिए हमको। कई भाई क्या करते, बहुत सारे छल्ले डाल देते, गैप कम हो जाता है और गैप कम होने के बाद कुछ देर मोटर चलती है और फिर जाम हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें गैप बहुत ज़रूरी रहना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऊपर आगे पीछे हो। और इसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे अगर बुश कटे होते हैं तो मोटर ऐसे ऐसे इसका ये जो है हिलेगा, तो ये हिल नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हिलना नहीं चाहिए आपको। बुश और सापट को चेक करने की पहली वीडियो मैंने डाल दी थी, तो वो भी आप जो है देख सकते हैं। तो अब हमारा ये आराम से घूम रहा है, तो इसका बस यही सेटिंग है। अब इसको हम चला के देखते हैं इसमें कैपेसिटर जोड़ के। ओके, तो दोस्तों मैं इसमें सप्लाई दे के देख रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसमें बोर्ड में तार लगा रहा हूँ तो मोटर हमारी देख सकते हैं आप चालू हो चुकी है और इसकी सेटिंग बहुत ही अच्छी है। ओके, बाकी आप इसको सीरीज में भी चला के देख सकते हैं। अगर मोटर सीरीज में चल रही है इसका मतलब है कि मोटर बहुत अच्छी सेटिंग हुई है। दूसरा, ऐसी सेटिंग करने के बाद भी मोटर जो है अगर बाद में चिपके चले नहीं या फिर आवाज़ करे, इसका मतलब होता है मोटर की सापट या बुश घिस चुके हैं। ऐसी कंडीशन मोटर के सापट एंड बुश को आप बदल सकते हो और मोटर को रिपेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।